हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बेस्ड है करंट अफेयर्स पे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में क्या बात करी। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, और जबकि इंडिया है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छा काम कर रही है, कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। बट आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 10.5% के आसपास, 11% के आसपास होगी। तो और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया है वो लगभग 2.5% दिया है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया में पीस होना चाहिए, और मेरा जो मानना है कि इंडिया को जो कंपैरिजन है मुझे पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, ना तो हमें किसी को करना चाहिए। हमारा जो कंपैरिजन है वो चाइना से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी इस टाइम $3 trillion है, ठीक है, और चाइना का जो जीडीपी है लगभग $15 trillion है। तो उसमें जो आप गैप है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना चाहिए, चाइना को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए कि हम चाइना से कैसे आगे जा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है। दोस्तों देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 1990 में एक बात मेरी इमरान सुने ना, 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था, आज इंडिया हमसे 10.5 गुना हो गया। इन 30 सालों में तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मौका मिला, उसमें फौजी हुकूमतें भी आईं, काफ लीग भी आई, पीटीआई भी आई, मुस्लिम लीग भी बनी, पीटीआई भी अब हुकूमत कर रही है। हम क्यों नहीं बताते कि हम लोगों की बात तो कर नहीं रहे, हम नहीं दे रहे लोगों को, फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हम बहुत नीचे चले गए। हर जो चीज़ आती है उसमें हमारा दर्जा दुनिया के 170-180वें मुल्क में आ जाता है, तो लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। जब तक हम सब मिल के नहीं बैठेंगे, पहले दिन से चार्टर ऑफ इकानमी की बात करते थे, मैंने कहा शुरू से ही, अभी भी उसके बगैर मिल के सिर्फ ये अखलाकी तौर पे भी और मईशत के तौर पे, हमने अगर मुल्क को आगे नहीं, तो इस तरह तो देखे ना, कोई जीत जाएगा कोई हार, मुख्तलिफ इलेक्टेड लोग हैं, अगर कोई गलत है अदालतें उनके खिलाफ फैसला करें। ये लीडर का काम नहीं है कि वो चोर डाकू वसूल तो कुछ भी नहीं हुआ, अदालतों का काम है ना, अदालतों को इतना मौका दे। ये इतना जो रोज़ मीडिया पे हम डिटेल से बात भी करते हैं, और फिर अगर लोगों को अब सब सच का पता लग गया है, लोगों को अंदाज़ा है, हमें चाहिए कि हम अभी भी मौका है, हम अपने सब मुल्क के लिए, लोगों के लिए। अब मैंने आपसे बात कर रहा था ना कि केक का साइज छोटा तो हो गया, लेकिन उसका बड़ा जो टुकड़ा है ना वो अमीर आदमी को मिला है, मेरे जैसे, हम जैसे बिजनेसमैनों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, छोटा काश्तकार एसएमई को कुछ नहीं हमने दिया इंडिया और, में और बड़ा आदमी आगे शेयर करने को तैयार भी नहीं है, कर्जा मिलता है, ठीक है। और हाँ जी, और वो मतलब मैं इमरान एक एक फिक्रा सुन लीजिए, इंडिया में या बांग्लादेश में, इंडिया में कर्जा जो टोटल कर्जा है उसका 25% एसएमई स्मॉल और मीडियम साइज को मिलता है, इंटरप्राइज को कर्जा मिलता है, बांग्लादेश में 18% मिलता है। हमारे कुल कर्जे का, ये स्टेट बैंक की फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे 100 में से कुल कर्जे का 7% जो लाखों लोग हैं, जो 90% हमारा बिजनेस है वो एसएमई पे मुंसलिक है, उसको सिर्फ 7% कर्जा मिलता है, और 93% कर्जा उन बंदों, उन थोड़े से चंद जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मिलता है। जो अच्छा एक्सपोर्ट, ये कहते हैं ना एक्सपोर्ट बढ़ गई, दूसरी तरफ से काटन की इम्पोर्ट बढ़ गई, टेक्सटाइल की अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है और काटन की इम्पोर्ट, काटन हुई नहीं हमारे यहाँ, हम सारी काटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब क्यों नहीं बोलते, इस सदाकतवादी बड़े समझदार आदमी हैं, ये मुझे सुनाते रहे, हम ये हमारा बड़ा सीरियस है, देखिए और ये लगातार हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो गया, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, शुगर माफिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुगर माफिया और हुकूमतों की नाकस प्लानिंग है जी, हर हुकूमतों की नाकस प्लानिंग, शुगर तो नहीं है ना, मैं तो हर फैक्टर नहीं जी, नहीं, ये टैक्स ही इनडायरेक्ट लगाया हुआ है सारा, डायरेक्ट टैक्स ही नहीं, अमीर आदमी पे टैक्स लगना चाहिए, अगर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, सर आप कह रहे हैं शुगर माफिया का भी कसूर नहीं है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का अमीर कसूर नहीं है, तो ये कसूर किसका, किसान का है जो नहीं लगा रहा कपास,
सर गवर्नमेंट पॉलिसी देगी तो किसान लगाएगा ना। हुकूमत इनका वादा था इमरान, इनका वादा था, कई तकरीरें असद उमर की और मेरे साथ भी फाइनेंस कमेटी में बैठ के भी वो कहते रहे कि हम जो टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स लेंगे, यानी वो टैक्स इनडायरेक्ट नहीं। अब पेट्रोलियम लेवी मैं फिगर देता हूँ, फिगर पिछले साल के 6 महीनों। सर देखें मैम एक टॉपिक पे बात करेंगे ना, हम उस बात कर रहे होते हैं आप आगे चले जाते हैं, वहां बात करते हैं आप और आगे चले जाते हैं। कल को हमारे तुर्की के साथ तो तलुकात वैसे ही बड़े अच्छे हैं, तो ये ना हो कल को ये कहे टर्की जुबान सीखने लग पड़े, तो वो जो एक बात हमारे चलती है जी शनाख्त का मसला है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, कभी हमें आधे लोग पर्शियन सीख रहे हैं, आधे लोग अरबी सीख रहे हैं, कल को टर्किश भी सीखने लग पड़ेंगे, उधर से चाइनीज आ गई, अंग्रेजी पहले ही हमारे लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई थी, तो ये बेचारे हमारे बच्चों के बारे में, वैसे तो तालीम के मैंने हवाले से सुना है कि बच्चे की जो तालीम है उसकी मादरी जुबान में होनी चाहिए, तो मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बल्कि एक बहुत हाई लेवल के एक ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने मुझे एक दफा कहा, उन्होंने कहा यार मैं देखो मैं पश्तून हूँ, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं सोचता पश्तो में हूँ, फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तो इट टेक्स मी लॉट ऑफ टाइम। सेम इज विद अस, हम पंजाबी हैं, हमारी पहली जुबान मदरी जुबान तो पंजाबी है, हम पहले पंजाबी में सोचते हैं, फिर उसको उर्दू में करते हैं, फिर उसको अंग्रेजी में करते हैं, तो ये कल को हम टर्किश भी सीखने लग पड़ेंगे, तो ये इतना कंफ्यूज करना क्या सही है कि चाइनीज भी सीखो, अरबी भी सीखो, टर्किश भी सीखो, जो है वो फ्रेंच भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, और अपनी जुबान को कोई नहीं, साड़ी पंजाबी साढ़े को बोल दी जाती है, पंजाबी लोग बोलने शर्म आती है, कहते हैं बिस्ती होगी पंजाबी ना बोलो बेटा, बच्चे जब बाहर बोलते हैं कितने गंदे बच्चे पंजाबी बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कल को टर्किश में तो नहीं चले जाएंगे सर, कुछ पता नहीं, हो सकता है जा भी सकते हैं टर्किश के ऊपर, लेकिन लैंग्वेजेस सीखने में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई सीखना चाहे तो अरेबिक भी सीख सकता है, वो हिंदी भी सीख सकता है, वो टर्किश भी सीख सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपने बाकी दुनिया के साथ डील करना है तो वो कौन सी लैंग्वेजेस समझती है, तो ज्यादा लैंग्वेज तो आपको पता ही है कि इंग्लिश और फ्रेंच, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अमेरिका जाएं वहां एयरपोर्ट पे आप उससे जो पासपोर्ट चेक कर रहा है आपका वहां जाके आप पंजाबी बोलना शुरू कर देंगे तो उसको क्या समझ आएगी, तो इसलिए अगर आपने इंटरनेशनली काम करना है और जितनी अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो वो बुक्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, वो बुक्स आपको पंजाबी में या पश्तो में नहीं होगी, तो आपको अगर आगे जाना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इन चीजों को देखना होगा, ये कहना कि जी मदर लैंग्वेज है तो इस वजह से ऐसा हो और बच्चे एम्बेरस हो, नहीं बच्चे क्यों एम्बेरस हो, अगर घर के अंदर और फैमिली में वो लैंग्वेज बोली जा रही है तो बोले, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, हम तो फौरन ही हर चीज के ऊपर हम एतराज शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना ज्यादा लोगों को नोटिस नहीं करना चाहिए और जो बोलना है आप बोलें, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे, अपने लोगों को लेके जाएंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस को लेके जाएंगे या किसी भी एक्स वाई जेड को, तो वो वहां पे जाके स्पीच तो उसको अपनी ही जबान में करनी है ना कि इंग्लिश में करनी है, ना कि अपनी जबान में करनी है, जाहिर है उसको इंग्लिश में ही करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके, तो ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर है ना उसको बाहर निकालना होगा कि जी हमें इसके अंदर नहीं रहना है, हमने वो लैंग्वेजेस सीखनी है जो ज्यादा से ज्यादा दुनिया समझ सके, ये तो नहीं ना कि हमें अगर पश्तो आती है या हमें अगर बंगाली आती है हम वो बोले आगे वाले के बेशक सर के ऊपर से निकल जाए, हम तो वही जबान बोलेंगे जो मेजोरिटी अंडरस्टैंड कर सके, तो यही बात है, बाकी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में, हम तो अगर हमारे कोई हिंदी का वर्ड यूज करें जबकि आपको खुद पता है कि उर्दू जो है वो मिक्सचर है, उसमें अरबिक भी है, पर्शियन भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, लेकिन अगर हम कोई वर्ड खास हिंदी का इस्तेमाल कर दें, अगर किसी की फैमिली में बोली जाती है कुछ तो बहुत यहाँ पे टॉन्ट किया जाता है कि तो हिंदी बोल रही है, हिंदी क्यों बोला, मैं एक दफा डिबेट में गई तो मैंने कह दिया कि आपके देश में ही होता हमारे देश में, यहाँ पे लोग मेरे पीछे शुरू हो गए, देश क्यों बोला तुमने, मुल्क बोलना चाहिए था, मैंने कहा चढ़ी है, तो वो यहाँ पे तो इस तरह के हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि जो हमने जबानों का हशर किया तो वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे ना 200 साल बाद, वो भी शायद अपनी जबान का जो हमने उनकी जैसे कहते हैं ना चटनी बना दी होगी इंग्लिश की, इस वजह से वो भाग गए होंगे छोड़कर बरे सगी, मरना तो जाने वाले थे नहीं। हाँ ये तो चीजें हैं, वैसे भी जो बड़े जुबान है जैसे पर्शियन है, ईरानी है, तो वो क्या करते हैं कि वो ज्यादातर जो लिटरेचर लिखा जाता है मुख्तलिफ जुबानों में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, जो कि ट्रांसलेट आज तक नहीं हुआ अरबी में, उसको वो ट्रांसलेट कर लेते हैं अपनी जुबान में ताकि अपने लोगों को, बच्चों को, आने वाली नस्लों को पढ़ाया जा सके।
सो इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि हम ट्रांसलेट करें उन चीजों को अपनी जुबान में, ताकि लोगों को, बल्कि मुझे याद है कि हमारे जो बच्चे मैट्रिक में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री उर्दू में पढ़ते थे, और जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते थे अंग्रेजी में पढ़ते थे, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि हमने अपने बच्चों के साथ, अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के साथ बड़ा जुल्म किया है ये उनको दो दो तीन तीन जुबानों के ऊपर लगा के। नहीं, आप मुझे ये बताए ना चीमा साहब, कि अगर किसी ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ना हो, या किसी ने साइंटिस्ट बनना हो, किसी ने पायलट बनना हो, वो सारी चीजें तो इंग्लिश में है। आप अगर इंग्लिश ही नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और आप उन्हें कहेंगे कि अरबिक पढ़ लो, तो वो बुक्स अरबिक में तो नहीं है। अगर आप मिसाइल्स बना रहे हैं, आप न्यूक्लियर एसेट्स बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप इवन वैक्सीन, अगर कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो भी अरबिक में नहीं है, उसके लिए भी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो सारी बुक्स मेडिसिन की जो है, वो सबकी सब बुक्स इंग्लिश में है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये एक ऐसी लैंग्वेज बीच में लेकर आना कि जी, क्योंकि जी कुरान अरबिक में था, तो हमने बहुत से लोगों ने इंग्लिश में भी कुरान को पढ़ा है। असल चीज तो ये है कि आपको उसका मतलब समझ में आए कि क्या लिखा है, और उसके बाद आप उसको फॉलो करें, तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती में सिर्फ जो अरब कंट्रीज है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हम जाके उनके साथ अरबिक में भी बात करेंगे ना, तो उन्होंने बिठाना हमें वो नीचे फ्लोर पर ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कहें अच्छा ठीक है, पाकिस्तानी हो, चलो उधर निकलो इधर से। नहीं वैसे मैडम, ये तो कर रही है, ये आप नहीं, यही होगा, बिल्कुल सही बता रही हूँ।